आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस युक्ति कपूर के सभी टेलीविजन सीरियल, म्यूजिक वीडियो और उनके सभी फिल्म्स के बारे में जिन्हें स्पेशली जाना जाता है। सिया के राम टीवी सीरियल में उर्मिला के कैरेक्टर से और अग्नि फेरा टीवी सीरियल में राजनी सिंह के कैरेक्टर से और मैडम सर टीवी सीरियल में एसआई करिश्मा सिंह के कैरेक्टर से। तो अगर आप भी युक्ति कपूर के सभी टेलीविजन सीरियल, म्यूजिक वीडियो और उनके सभी फिल्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। युक्ति कपूर का जन्म 18 मई 1992 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम अरुण कपूर है और इनकी माता का नाम दर्शना कपूर है। इनके दो भाई हैं रौनक और गौरव कपूर। अब हम युक्ति कपूर के सभी टेलीविजन सीरियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो युक्ति कपूर ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2010 में नन्ही सी गली मेरी लाडली टीवी सीरियल के साथ शुरू की थी, जिसमें उन्होंने गुड्डी का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2013 में झिलमिल सितारों का आंगन होगा टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया, जिसमें उन्होंने तन्नु चौहान का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2013 में ही प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा टीवी सीरियल में इन्होंने बिट्टू का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2013 में ही ये है मोहब्बत है टीवी सीरियल में इन्होंने काम किया। इसके बाद 2015 से 2016 तक सिया के राम टीवी सीरियल में उर्मिला का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2016 में बालिका वधू टीवी सीरियल में सुधा शेखावत का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2017 से 2018 तक अग्नि फेरा टीवी सीरियल में राजनी सिंह का रोल प्ले किया था। इसके बाद इसी टीवी सीरियल में 2018 से 2019 तक अग्नि सिंह ठाकुर का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2019 में लाल इश्क टीवी सीरियल में श्वेता का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2019 में ही नमा लक्ष्मी नारायणा में लक्ष्मी और अलक लक्ष्मी का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2020 से 2023 तक मैडम सर टीवी सीरियल में सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह का रोल प्ले किया है। इसके अलावा युक्ति कपूर ने कुछ और टेलीविजन सीरियल में स्पेशल अपीयरेंस दिया है, जैसे कि 2020 में नजर आई थी कुछ स्माइल्स हो जाए विद आलिया के एपिसोड 4 में। इसके बाद 2021 में नजर आई थी जिद्दी दिल मानेना के एपिसोड 67 में। इसके बाद 2022 में नजर आई थी गुड नाइट इंडिया के एपिसोड 29 में। इसके अलावा अगर हम उनके फिल्मों के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2013 में का उखाड़ देवा भोजपुरी फिल्म के साथ शुरू की थी और इसके बाद 2015 में वहाँ फिल्म में इन्होंने काम किया है। और अगर हम उनके म्यूजिक वीडियो के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने म्यूजिक वीडियो की शुरुआत 2020 में फाकरे म्यूजिक वीडियो से शुरू की थी। इसके बाद 2021 में धत और इसी साल 2021 में ही मेरे साथ म्यूजिक वीडियो में काम किया। इसके बाद 2022 में क्या फर्क पड़ता है म्यूजिक वीडियो में काम किया है। तो युक्ति कपूर की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आपका इनमें से कौन सा सीरियल फेवरेट है कमेंट में लिख करके जरूर बताना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए टेलीफ्लिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।